हेलो एवरीवन, माय नेम इज यज्ञेश पटेल, फाउंडर ऑफ जस्ट मनी गेम। दोस्तों, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हमको एंट्री और एग्जिट के सिग्नल्स मिल जाते हैं और हम उसके वजह से हम ट्रेडिंग अच्छे से कर पाते हैं, और बाद में कभी कभी हमको यह भी सुनने को मिलता है कि ये एंट्री और एग्जिट मल्टीपल एंट्री एग्जिट की वजह से प्रॉब्लम बहुत होता है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग सेटअप। एग्जिट ट्रेडिंग सेटअप किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हमको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है एंट्री और एग्जिट, और वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमको एंट्री एग्जिट के सिग्नल्स देता है। बट टेक्निकल एनालिसिस में जैसे हमने देखा कि बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारे मेथड्स है, उसकी वजह से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के सिग्नल्स आते हैं, तो हमको कौन सा फॉलो करना चाहिए? तो हम वही देखेंगे कि ट्रेडिंग सेटअप एग्जिट किसको बोलते हैं। तो जैसे कि ये टू मेनी सिग्नल्स, सबसे पहला हम एक प्रॉब्लम है टू मेनी सिग्नल्स। बहुत सारे इंडिकेटर के वजह से कभी कभी ये बाय पहले देता है, बाद में कुछ चीज बाय आती है, बाद में और कुछ चीजें बाय देती है, और एग्जिट के टाइम में कुछ बहुत अर्ली एग्जिट देता है, कुछ बहुत लेट एग्जिट देता है। तो एग्जैक्टली हमको कौन सा फॉलो करना चाहिए? तो टू मेनी सिग्नल्स की वजह से टेक्निकल एनालिसिस में ये एक ड्रॉबैक हो रहा है कि हमको एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा रहता है कि इसके वजह से रैंडम एंट्रीज होती है, रैंडम एंट्री बिकॉज ऑफ टू मेनी इंडिकेटर्स एंड टू मेनी एंट्री सिग्नल्स, ट्रेडर्स आर स्टार्टेड एंटरिंग द स्टॉक्स रैंडमली कि हाँ ये बाय दे रहा है तो मैं ये बाय कर ले रहा हूँ। या फिर कभी कभी रिटेल्स में ये होता है कि जब जब उनका ग्रिड बढ़ने लगता है तब तक उनका ये एंट्री पॉइंट होता है, और जब फियर बढ़ने लगता है वो उनका सेलिंग पॉइंट होता है। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन ट्रेडिंग सेटअप्स। सो एग्जैक्टली ट्रेडिंग सेटअप, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप के अंदर सबसे पहला एंट्री और एग्जिट के रूल्स फिक्स होते हैं। देयर आर फिक्स एंट्री एंड एग्जिट रूल इन ट्रेडिंग सेटअप, उसी को हम ट्रेडिंग सेटअप बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, 20 डेज मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पावरफुल मूविंग एवरेज कहलाई जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, और हमारा ट्रेडिंग सेटअप का रूल है कि 20 डेज मूविंग एवरेज के अबव प्राइस क्रॉस करेगा वो हमारा एंट्री पॉइंट है बाइंग के लिए, और 20 डेज मूविंग एवरेज का वैल्यू हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट पॉइंट। So this is just a one type of trade setup. हम exactly entry and exit point को define कर रहे हैं एक moving average, 20 days moving average indication के मदद से। तो इसको हम trading setup बोलते हैं। ना कि हमको random entries करनी है और ना too many signals की वजह से false signal में trap होना है। Trading setup में entry and exit के rule पहले define कीजिए और उसके बाद backtest कीजिए उस data को, data के ऊपर history के, और फिर देखिए कि वो कैसे results provide कर रहा है या नहीं कर रहा है। Accordingly that you can modify your entry and exit signals। ये रहे trading setup के किसको हम बोलते हैं वो हमने define किए। अब हम देखेंगे कि trading setup के वजह से advantages क्या है, what are the advantages? तो सबसे पहला advantage रहेगा के आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रॉपर रिजल्ट्स मींस जब आप रैंडम एंट्री करते हो या सारे इंडिकेटर को मिक्स करके एंट्री करते हो तो आपको रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी कभी वो ट्रेड सेटअप प्रॉफिट देगा नहीं देगा, जल्दी स्टॉप लॉस करा देगा या फिर लेट स्टॉप लॉस करेगा, ये सब चीजें निकलेगी और आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, और क्योंकि आपने बैक डेटा पे इसको बैक टेस्ट किया होगा। ये सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज रहेगा कि आप इमोशंस लेस हो जाओगे, इमोशन फ्री। जैसे कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इमोशंस बहुत ही मुश्किल पे क्रिएट करता है ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में, जब आपका ट्रेड कभी खड़ा होगा तो ओपन ट्रेड होगा तब। तो यहाँ पे हम अगर हमारा एंट्री एंड एग्जिट का सिग्नल फिक्स है, एग्जिट मींस के स्टॉप लॉस या फिर टारगेट प्राइस पे, तो आप इमोशन लेस हो जाएंगे और आप अपने रूल्स फॉलो कर पाओगे प्रॉपरली। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। और तीसरा रहेगा रिस्क मैनेज, रिस्क रिवार्ड रेशियो। इसमें आप रिस्क रिवार्ड को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, और सबसे स्टैंडर्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:3 का। अगर आप 1 रुपए का लॉस सहन करने की क्षमता रखते हो और आप ट्रेड लेते हो तो वहां पे आप 3 रुपए कमा पाओगे, इसको हम 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बोलते हैं। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है अगर आप ट्रेड सेटअप यूज करते हो।
तो आज का हमारा टॉपिक था कि ट्रेड सेटअप किसको कहते हैं, उसके वजह से हमको क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो के वजह से कुछ भी इंसाइट मिलता है तो कमेंट कीजिए बिलो सेक्शन में, और भी टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो हमको। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।